Hello guys, welcome back to my channel. So this video is going to be a little bit casual because this video I am going to shoot in Hindi language. वो इसलिए बिकॉज ये जो मेरे साथ अभी स्कैम हुआ, जैसा कि आपने टाइटल में भी देखा होगा, ये हुआ मेरे Airbnb इंडियन अकाउंट के साथ. So watch this video till the end to know what really happened and how you can also save yourself from these kind of frauds. It's just a matter of awareness. Okay, so ये स्कैम हुआ इस तरह से कि मैं एक Airbnb अपार्टमेंट बुक कर रहा था. सिमिलरली मैंने अपार्टमेंट बुक करने के लिए एक रिक्वेस्ट भेजी और वो रिक्वेस्ट किसी Airbnb ओनर के पास गई, तो मेरे को लगा कि ही विल एक्सेप्ट द रिक्वेस्ट, पर एक्सेप्ट करने के बजाय उन्होंने मेरे साथ मैसेज में एक व्हाट्सएप नंबर शेयर किया. उन्होंने मुझे बोला कि आप इस व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट कीजिए एंड देयर विल बी अ केयर टेकर. सो केयर टेकर मतलब कि कोई एक होस्ट होगी जो आपकी बुकिंग को कन्फर्म करेगी. So I did the same way. I have saved that WhatsApp number, try to contact her via WhatsApp number. And then जब मैंने उनके साथ कॉन्टैक्ट किया तो उन्होंने मुझसे काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन पूछी कि आप कौन है, किसके साथ आ रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं और आपके साथ कौन कौन आ रहा है, अब मेरी ईमेल आईडी, मेरा फ़ोन नंबर. उन्होंने मुझसे सारी इन्फॉर्मेशन पूछी. सो आई वॉज लिटिल बिट सरप्राइज कि वाई शी इज़ अगेन आस्किंग, क्योंकि जब आपका होस्ट आपको किसी और जगह रेफर करता है तो उनको पता होता है कि ये सारी इन्फॉर्मेशन, बिकॉज इनडायरेक्टली योर बुकिंग इज कमिंग फ्रॉम Airbnb. तो मैं थोड़ा सा सरप्राइज तो था. जनता को आप मूर्ख समझना बंद कर दीजिए. पर फिर मैंने सोचा कि इट्स ओके, हो सकता कि उनको ना पता हो. देन उसके बाद क्या हुआ, देन शी सेड दैट ओके वी एक्सेप्ट योर बुकिंग बट टू फाइनलाइज योर बुकिंग यू हैव टू डू द पेमेंट. मैंने बोला ठीक है, पेमेंट तो कर देते हैं. तो उन्होंने मुझे बोला कि आपको मैं एक लिंक भेज दूँ आपकी ईमेल आईडी से, उस लिंक पे जाके पेमेंट कीजिए. तो उन्होंने जो मुझे लिंक भेजा तो वो Airbnb की साइट से आया. तो जब मेरे पास एक ईमेल आया उसमें लिखा हुआ था कि उसमें Airbnb का लोगो बना हुआ था, सब कुछ वैसा ही था. उन्होंने मुझे बोला कि आप इस लिंक पे जाइए और क्लिक कीजिए और डू द पेमेंट. तो वो मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब मैं उस लिंक पे गया, मैंने जब चेक किया तो उस लिंक का जो डोमेन था वो था yourinformation.com, मतलब @yourinformation.com. तो मेरा शक बिल्कुल क्लियर हो गया कि ये जो है ये इट्स नॉट कमिंग फ्रॉम Airbnb, इट्स कमिंग फ्रॉम सम सेपरेट डोमेन एंड इट्स समथिंग फिशी और ये कुछ स्कैम है. तो उसके बाद क्या हुआ, मैंने उनसे डायरेक्टली पूछ लिया कि आर यू अ स्कैमर और आर यू डूइंग दिस स्कैम. तो उस लड़की ने मुझे कहा नहीं, ये कोई स्कैम नहीं है, जैसा कि आप चैट पे देख पा रहे हो. तो फिर मैंने उनसे पूछा कि फिर मैंने ऐसे अपने माइंड में सोचा कि एक काम कीजिए, आप अपना Airbnb का होस्ट आईडी मेरे साथ शेयर कीजिए. तो जैसे ही मैंने ये क्वेश्चन पूछा कि Airbnb का होस्ट आईडी शेयर कीजिए, तो उन्होंने मुझे ब्लॉक कर दिया. तो मैं अब आपको ये बताना चाहता हूँ कि whenever यू try to book something, और जब भी आपको कोई पेमेंट कन्फर्मेशन आती है, आप जरूर उसके होस्ट नेम डोमेन को चेक कीजिए. बिकॉज अगर कोई भी रजिस्टर्ड कंपनी है वो आपको अपने डोमेन से ही सब कुछ भेजती है, लाइक @airbnb.com, @google.com, @facebook.com या @booking.com, कहीं से भी. वो कभी भी ऐसे आपको नहीं भेजती @yourinformation.com. तो अगर वो ऐसा भेज रही है, दैट मीन्स समथिंग इज फिशी. तो उन्होंने मुझे बोला कि आप उस लिंक पे क्लिक कीजिए, वंस यू हैव डन द पेमेंट उसके बाद हम आपकी अमाउंट कंफर्म कर देंगे और आपकी बुकिंग भी कंफर्म कर देंगे. तो मैंने बोला ठीक है. तो जब मैं वो पेमेंट करने गया, इट वाज अराउंड 300 यूरोस, यू नो. तो मैंने पेमेंट करने से पहले मैंने डोमेन उनका चेक कर लिया, जो कि डोमेन वो था नहीं. I also want to say how you can save yourself from these kind of fraud. तो basically इसके पीछे सिर्फ तीन कैच है. Point number one, मैं आपको पहले बता चुका हूँ, you have to check the domain like @booking.com, @airbnb.com. So these domain has to be checked first. Point number two, जो बड़े प्लेटफॉर्म होते हैं जैसे booking.com, airbnb.com, इन सब के प्लेटफॉर्म में मर्चेंट जो होता है वो इंटीग्रेटेड होता है, मीन्स द थर्ड पार्टी गेटवेज जो होते हैं वो इंटीग्रेटेड होते हैं. तो ये आपको एक्सटर्नली लिंक कभी नहीं प्रोवाइड करते कि आपको मैं लिंक भेज रही हूँ उस लिंक से पेमेंट कर दो, ऐसा कभी नहीं होता. ये जो बड़े प्लेटफॉर्म होते हैं, लाइक ए सेट, उनमें गेटवेज जो होते हैं, जो पेमेंट गेटवेज होते हैं, वो ऑलरेडी इंटीग्रेटेड होते हैं. तो आपको चूज करना होता है कि विच इज योर प्रेफर वे टू मेक दीज पेमेंट्स टू कन्फर्म योर बुकिंग्स. तो इस बात का भी ध्यान रखें. पॉइंट नंबर थ्री, Airbnb के होस्ट आपको व्हाट्सएप पे कभी कॉन्टैक्ट नहीं करते जब तक कि बुकिंग कन्फर्म नहीं हो जाती. द मोमेंट योर बुकिंग हैज कन्फर्म्ड,
वो आपको तब व्हाट्सएप पे कनेक्ट करते हैं जब उनको आपको बताना होता है कि आप उनकी प्रॉपर्टी पे कैसे पहुंच सकते हैं और कौन कौन से वे हैं या कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन जो उनको आपसे शेयर करनी हो। नॉर्मली एयरबीएनबी के प्लेटफॉर्म में ही मैसेजिंग सर्विस भी इंटीग्रेटेड होती है, वो आपको सब कुछ एयरबीएनबी के थ्रू ही बता देते हैं, आपको अलग से व्हाट्सएप करने की जरूरत नहीं है। बट इन केस अगर वो आपको व्हाट्सएप भी करते देयर इज नो प्रॉब्लम विद दैट। बट कोई भी ओनर, कोई भी होस्ट आपको पेमेंट करने के लिए व्हाट्सएप पे लिंक नहीं भेजता या ईमेल पे लिंक नहीं भेजता। सो बी अवेयर अबाउट दिस वन। सो द ओनली की इज टू सेव योरसेल्फ इज योर सेल्फ अवेयरनेस। तो अगर आप सेल्फ अवेयर हो, हर चीज को वेरीफाई करते हो, गो स्लो व्हेन यू आर डूइंग पेमेंट ऑन द गेटवेज, ऑलवेज गो स्लो, चेक द राइट डिटेल्स, चेक हाउ यू आर डूइंग पेमेंट, चेक द अमाउंट, चेक द डेट, यू हैव टू चेक एवरीथिंग। सो एक बार अगर आपने कंफर्म कर लिया देन यू आर गुड टू गो। या दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। इफ यू गेट द वैल्यू फ्रॉम दिस वीडियो हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब माई चैनल टू सपोर्ट मी एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो। बाय बाय।